हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं सक्षम जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस यूट्यूब चैनल करना भाई लाइक शेयर, चैनल क्या कर देना है सब्सक्राइब। तो भाई देखो क्या कहते हैं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, भैया यूट्यूब चैनल बता दो, बेस्ट यूट्यूब चैनल बता दो, रिविजन के लिए कहाँ से करें, कौन सी क्लासेस ले, किधर से देखें रिविजन। तो देखो क्या कहते हैं, मैंने ना सबसे बेस्ट चार्ट रखे सबसे बेस्ट रिविजन के लिए, कि सीए फाउंडेशन का रिविजन सबसे बेस्ट, सबसे कम टाइम में और एकदम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप कहाँ से कर सकते हो भाई। और सबसे बड़ी बात बताऊँ तुम्हें, मैथ्स का एक ऐसा रिवीजन लेक्चर बता दूंगा तुम्हें कि मतलब तुम यहाँ से करना, अगर तुमने ये लगा लो थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है ना मैथ्स में, और अगर तुमने उसको देख लिया, गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे 60 नंबर मैथ्स में कहीं नहीं गए, कहीं नहीं। लेकिन बस ये मत सोचना कि मैं तुम्हें पास्ट 10 ईयर सीरीज बता रहा हूँ, उसके अलावा भी एक चीज़ बताऊंगा कि तुम्हें कहाँ से करना है, क्योंकि वो चीज़ मुझे पहले मिल नहीं रही थी। जो चीज़ मैंने खुद ने करी, वो चीज़ मैंने खुद ने देखी थी, मुझे मिल नहीं रही थी पहले, शायद वो हटा दी गई यूट्यूब से, लेकिन अब फिर से शायद वो आ रही है। तो मतलब ये मतलब चल रहा है उसका कुछ, तो मैं आपको बताऊंगा भी वीडियो में कि भाई वो चीज़ भी देख लेना, वो चीज़ कर लेना। अगर तुमने वो कोर्स नहीं कर रखा ना मैथ्स का, स्टेट्स एलआर का, तो तुम अगर उसे देख लोगे ना, तो तुम्हारी लगा लो मैथ्स स्टेट्स एलआर के तो 50-60 नंबर आराम से पक्के हो गए। जिसने बिल्कुल थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत भी मतलब ये लगा लो 20-25% भी पढ़ रखा है, अगर उसने वो देख लिया तो उसका तो पेपर 3 तो बिल्कुल सॉर्ट आउट है। वो चीज़ ऐसी है कि मतलब ये लगा लो तुम्हारी एक तरीके से क्लास लगा लो वो। लेकिन उससे पहले यार मैं तुम्हारे 2-3 डाउट क्लियर कर दूँ। मेरे पास बहुत सारे, मैंने देखो इससे पहले वाली वीडियो में भी अपडेट करा था कि भाई मत करो ये सब मत करो, तो प्लीज़ वो चीज़ एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। मेरे पास इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए थे कि मेरे से पूछा गया भाई कि क्या कहते हैं भाई, मैं हम मॉक टेस्ट परचेज कर ले, हमारे पास कॉल आ रहे हैं, या हमारे को ये कोई क्लास वगैरह मतलब इस तरीके से चल रहा है कुछ, ये सब परचेज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। भाई इस टाइम कुछ भी नहीं करना चाहिए, तुम यार सीए के दिमाग से सोचो, सीए के दिमाग से भाई तुम सीए बनने वाले हो, मतलब दिमाग लगाओ इसका कि क्या चल रहा है मार्केट में। तुम ये देखो, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था, लेकिन भाई मैंने तुम्हें ये चीज़ खुद समझने को दी थी, मेरे हिसाब से लगता है तुम लोग ये चीज़ खुद नहीं समझ पा रहे हो, तो इसलिए मैं तुम्हें अब समझा देता हूँ डिटेल में कि क्या चल रहा है ये सब। तुम खुद देखो कि सीए फाउंडेशन हर साल 80 हज़ार से 1 लाख बच्चा बैठता है, मतलब एवरेज आई 80 हज़ार से 1 लाख बच्चा, तो उसका 1% लगाओ 800 बच्चा, और तुम्हारे को कोई चीज़ 8,000 रुपये की कोई बंदा सेल कर रहा है, 1,000 रुपये क्या एक नॉमिनल प्राइस है, तुम एक जीन्स लाते हो तो 1,000-1,200-1,500 रुपये की एक जीन्स ही आती है तुम्हारी, तो तुम 1,000 रुपये में एंड टाइम उस चीज़ को परचेज कर ले लो। 800 × 1,000, अगर 1% बच्चा भी परचेज कर लेता है तो 800 × 1,000 कितना हो गया भाई, 8 लाख रुपये। 8 लाख रुपये मतलब ये पूरा एक धंधा बना रखा है, मतलब एक बिजनेस है कि एंड टाइम में तुम्हारे डर से खेला जा रहा है। तो भाई अपने डर का सही इस्तेमाल तुम अपनी पढ़ाई में करो, जिससे तुम्हारा डर दूर हो, मतलब ये सब चीज़ें परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये लगा लो तुम 8 लाख रुपये उनको क्या कहते हैं अपनी जेब में जा रहा है, ठीक है, और उसमें से क्या कर रहे हैं भाई, वो 10,000 रुपये भी खर्च नहीं कर रहे, 10,000 रुपये भी, 5-7 हज़ार रुपये देखिए किसी से प्रमोशन करा रहे होंगे तो वो बात अलग है, और 700 रुपये का महीने का यार वाईफाई लगता है, वो तुम्हारे को 4-5 दिन 3-4 दिन कुछ चला देंगे 2-3 घंटे के लिए, तो 7,90,000 रुपये तो भाई लगा लो उनकी पॉकेट के अंदर जा रहे हैं। तो प्लीज़ भाई इन स्कैमों इन खूमों के चक्कर में मत फंसो भाई, मत वेस्ट करो पैसा। आप क्या करोगे कोई 20-22 दिन में, यार तुम्हारी मेहनत के अलावा तुम्हें कुछ पास नहीं करा सकता भाई, तुम्हारी मेहनत ही है जो तुम्हें पास करा सकती है। तो प्लीज़ भाई प्लीज़, मैं सोच रहा हूँ कि अभी तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा, तो मत फंसने इन सब चक्करों में। और मैं देखो जो चैनल बता रहा हूँ ना भाई, तुम्हें बिल्कुल अपने छोटे भाई बहनों की तरह समझ के बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि किसी का प्रमोशन प्रमोशन है, कि क्योंकि जो चीज़ मैंने खुद ने देखी है ना, और मैं भाई तुम लोगों को मतलब अपना भाई बंधु समझ के बता रहा हूँ, भाई मतलब छोटे भाई बहन समझता हूँ यार, मतलब ये लगा लो यार जो भी अब तुम ही हो तो इसलिए बता रहा हूँ, तो ज़्यादा मतलब दिमाग मत लगाना तुम लोग अपना। अब ध्यान से सुनो, देखो इको के लिए बताता हूँ, सबसे पहले CTC क्लासेस भाई 1 नंबर की क्लासेस है भाई, विपुल सर 1 नंबर का पढ़ाते हैं भाई। तुम अगर उनके रिवीजन लेक्चर देखोगे, देखो चैप्टर 1 और 5 खुद करना इको में पढ़ने के लिए, खुद कोशिश करना, और 2, 3 और 4 मतलब डिमांड सप्लाई मार्केट और प्रोडक्शन कॉस्ट का उनका लेक्चर देखना, विपुल सर CTC क्लासेस सर्च करना यूट्यूब पे, और उसमें विपुल सर पढ़ाते हैं, उनके रिवीजन लेक्चर देखना, एक एक दो दो घंटे के भाई, ये लगा लो कि तुम्हारे 5 घंटे के लेक्चर है तीनों चैप्टरों के, तुम्हारा सारे चैप्टर तीनों खत्म, ठीक है, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। BCK की बात करें तो यार BCK में देखो तुम विपुल सर के भी लेक्चर है, और अग्रिका खत्री मैम है उनके भी देख सकते हो, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 तो देख ही लेना, BCK में चैप्टर 3 और 6 अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि पता है यार तुम्हें भी कैसे चैप्टर हो। और भाई अब तुम देखो बेकरार तो हो मुझे पता है मैथ्स का सुनने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें लॉ का भी बता दूँ पहले, क्योंकि लॉ के लिए भी कई बच्चे पूछते हैं। देखो लॉ के लिए मैं तुम्हें 4 चैप्टरों के लिए बताता हूँ कि तुम्हें कहाँ से करने हैं। मैं LLB भाई बिल्कुल ब्लफ यूनिट समझता हूँ, मतलब LLB मैं सोचता हूँ कि करनी ही नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो क्योंकि तुम्हें एक क्वेश्चन छोड़ना होता है पेपर में, तो मैं LLP को प्रेफरेंस देता हूँ कि LLP छोड़ दो। पार्टनरशिप और कंपनी के लिए तो भाई तुम्हें MEPL क्लासेस में मोहित अग्रवाल सर पढ़ाते हैं, उनके बिल्कुल देखने से ये बिल्कुल 1 नंबर कहते हैं ना, एकदम जेनुइन लेक्चर है बिल्कुल, अगर तुम देख लोगे ना, तुम्हें मेरे हिसाब से लगा लो कि उनके लेक्चर देखने के साथ साथ तुम्हें हाथों हाथ याद भी होता रहेगा।
तो अगर तुमने वो लेक्चर देख लिए ना उनके, तो बहुत बेस्ट है MEPL क्लासेस मोहित अग्रवाल सर, पार्टनरशिप और कंपनी के लिए लो में, ठीक है। और देखो उनके सोगा के भी देख सकते हो तुम, लेकिन सोगा और कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या कहते हैं तुम, अगर सोगा के, हाँ तुम MEPL क्लासेस के देख लेना, और अंकिता पटनी मैम है उनके रिवीजन लेक्चर भी देख लेना सोगा के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैं प्रेफरेंस दूंगा कि तुम अंकिता पटनी मैम का देखना, उनके अच्छे हैं कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के उनके देखने चाहिए देखो मेरे अकॉर्डिंग तो। और सोगा के लिए तुम MEPL क्लासेस और अंकिता पटनी मैम दोनों में से किसी एक का चूज कर लेना अपने हिसाब से, मेरे को दोनों के ही बेस्ट लगते हैं, लेकिन पार्टनरशिप और कंपनी के लिए MEPL क्लासेस बेस्ट है, ठीक है। BCR यार कुछ नहीं है, BCR खुद से पढ़ो, कम्युनिकेशन है कि याद करने का, बाकी सबके फॉर्मेट वगैरह देख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्या कहते हैं तो मैथ्स का सुनने के लिए बेकार आ रहा, तो भाई मैथ्स का सुन लो, क्या कहते हैं पास्ट 10 ईयर सीरीज तो VSI वाली देखनी ही देखनी है भाई, हर किसी बंदे को देखनी है वो, तो उसको मैंने तुम्हें बता रखा है VSI चैनल पे जाना, वीडियो के सेक्शन में देखना, स्क्रॉल करना, प्लेलिस्ट में स्टैट्स और मैथ्स की मिल जाएगी तुम्हें, LR की भी है तो वहाँ से कर लेना उसको, ठीक है। और देखो क्या कहते हैं, क्या बता रहा था, हाँ वो रिवीजन सीरीज बता रहा था, कैप्सूल बैच भाई राज आपते सर का SPC क्लासेस पे, SPC के यूट्यूब चैनल पे, स्वप्निल पटनी क्लासेस पे भाई, SPC के चैनल पे, वो उनका राज आपते सर ने अनाउंसमेंट करी कि कल 21 तारीख, कल मंडे की शाम को 6 से 8 को क्लास लगाएंगे, और फिर अगर नेक्स्ट डे ट्यूजडे से 4 बजे कर देंगे कैप्सूल बैच। भाई वो बहुत शानदार कैप्सूल बैच है, अगर जिस बच्चे ने भाई मैथ्स में 20-25% कोर्स करा ना, भाग जाओ उसकी तरफ, मंडे को आ रहा है वो कोर्स, मतलब सर वो कैप्सूल बैच की सीरीज लाएंगे भाई। मैंने भी वो देखी थी भाई, मेरे टाइम पे चली थी, लेकिन सर ने अपने पर्सनल चैनल पे चलाई थी राज आपते पे, लेकिन फिर सर ने प्राइवेट कर दी, तुम देख सकते हो अभी सर के चैनल पे है नहीं, वरना मैं तुम्हें वो चीज़ बिल्कुल सजेस्ट करता, स्टार्टिंग में ही कर देता। और कई लोग मेरे यूट्यूब से जुड़े थे ना, वो इंस्टाग्राम से जुड़े थे, तो मैंने इंस्टाग्राम पर भी उन्हें बताया था कि वो देख लेना, लेकिन उन्होंने कहा भैया नहीं मिली, तो फिर मैंने देखा तो वो चीज़ नहीं थी, लेकिन सर ने अनाउंसमेंट करी SPC के चैनल पर ही चलेगी 21 तारीख को, मंडे को शाम को 6 से 8 बजे है पहला बैच, और फिर डेली वो सर उसमें चलाएंगे। लाइव देखना तुम्हें, लाइव जाके देखेंगे भाई, ये मैं सुना रिकॉर्डेड देखेंगे, जितना तुम उसको लाइव देखोगे ना सबसे बेस्ट है वो लाइव देखना, क्योंकि सर लाइव में तुम्हारे डाउट भी लेते, तुम्हारे कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे भी बात करते, तुम्हें जो भी दिक्कत है बहुत जेनुइन चीज़ है यार, तुम उसको जाके देख लेना, सर ने अनाउंसमेंट कर रखी है, मैंने आज ही देखी, मैं खुद वो वीडियो देखी अनाउंसमेंट वाली, कि भाई मतलब मेरे मन में आ रही, मैंने यार अब तो तुम्हें बतानी पड़ेगी, बहुत जेनुइन चीज़ है, बहुत कैड़ी चीज़ है, तुम्हें मतलब तुम्हारा सिस्टम सेट हो जाएगा यार, तुम्हारा मैटर आर पार हो जाएगा पेपर का, मैथ्स के पेपर का, तो अगर तुमने वो चीज़ देखी तो मतलब तुम ये कहोगे यार भाई तुमने क्या चीज़ बताई है, बहुत तगड़ी चीज़ है, एकदम ये लगा लो कि टॉप लेवल। और फिर अकाउंट्स की बात करें तो देखो अकाउंट्स भाई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैं मानता नहीं अकाउंट्स की रिवीजन क्लासेस तुम्हें देखनी चाहिए, लेकिन फिर मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम चैप्टर के बेसिक पढ़ो पहले, ठीक है, खुद पढ़ो खुद से, फिर क्वेश्चन कर करके देखो, और फिर तुम्हें कोई पर्सनल क्वेश्चन में डाउट है ना एकदम प्रॉपर क्वेश्चन में, तो आई विजन क्लासेस है उस पर भी यार, अरे यार आई विजन क्लासेस उस पर विपुल ढल सर पढ़ाते हैं, और वो वही CTC क्लासेस सर का नाम है विनय सर था, विपुल नहीं था सॉरी, उनका नाम विनय था इको वाले का, और जो आई विजन वाले ना इनका नाम है विपुल ढल सर, ये इनकी आई विजन नाम का चैनल है यूट्यूब पर, विपुल ढल सर है। और क्या कहते हैं तुम्हें क्या करना है, इन्होंने अपनी जो थंबनेल होता है ना वीडियो का, उसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर मेंशन कर रखा है, मैंने इस लेक्चर में ये डिस्कस कर रखा है, तुम वो लेक्चर खोलना, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना जिसमें तुम्हें डाउट आ रहा है, वहां से कर लेना तुम अकाउंट्स का, लेकिन भाई वो मैथ्स की सीरीज जरूर देख लेना, बहुत जेन्युइन सीरीज है, तुम्हारा भाई बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, जो चीज़ मैंने देखी है ना वही तुम्हें बता रहा हूँ, और तुम लोग यार छोटे भाई बहनों तो बिल्कुल फॉलो कर लेना चीज़ को, और देखो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसलिए तुम्हारा भाई टाइम टू टाइम तुम्हें अब अपडेट कर रहा है, तो अब तुम क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखे, क्योंकि तुम्हार को भाई अब एकदम ऐसा लेवल बनाना है कि अपन को अब CA फाउंडेशन का, कि तुम्हारा सबका रिजल्ट आर पार होना चाहिए भाई, किसी को भी होप नहीं हारनी है, मतलब पॉजिटिविटी रखो भाई, ये सोचो कि तुम्हारा मैथ्स की सीरीज का तो पेपर थ्री का तो झंझट खत्म, अगर तुमने वो देख लिया है तो, और बाकी 3 सब्जेक्ट लो के लिए भी मैंने बता दिया, अकाउंट्स और भाई ईको बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, अगर तुम कॉमर्स के बच्चे हो तो ईको भाई अगर तुम 2-2 घंटे 10 दिन पढ़ रहे हो ना जब तुम्हारा मैटर सॉर्ट आउट है ईको में, तो और अकाउंट्स यार तुम कॉमर्स के बच्चे तो ऐसा मत सोचना कि अकाउंट से तुम्हें दिक्कत आनी चाहिए, मतलब समझ रहे हो अकाउंट्स और कॉमर्स तो ऐसे मतलब बेस है, तो जड़ों को तो पकड़ के रखना पड़ेगा, तो इसलिए भाई मेहनत करो, मेहनत तुम कहीं चक्करों में मत फंसो, जितनी तुम मेहनत करोगे ना उतना ज़्यादा तुम सक्सेस को अचीव करोगे, समझे, हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस भाई, बिल्कुल सही बात है। और कमेंट सेक्शन में भाई लड़ा मत करो यार, मैं जो तुम्हें कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ यार, तो किसी मैं का जो करेक्ट वो क्या कहते हैं वो मैं पिन करता हूँ ना कि करेक्ट आंसर क्या है, मैं ये देखता हूँ कि कई लोग डालते हैं कम्युनिटी पोस्ट पे लेकिन वो करेक्ट आंसर पिन नहीं करते, तुम्हें पता नहीं चल पाता है करेक्ट आंसर क्या है, तो मैं इसलिए पिन करता हूँ कि तुम्हें पता चले करेक्ट आंसर क्या है, लेकिन भाई कोई गलत, कोई बंदा जेनवन आके लिख के जा रहा है कि मैंने ये सिलेक्ट करा था तो भाई मेरा गलत सिलेक्ट करा, तो मैंने तुम उसको डाल दो कि तू सिलेक्ट करा है फेलियर, यार क्या करते हो तुम, क्या करते हो यार, तुम सबकी मदद करना सीखो भाई, किसी के साथ ऐसा मत करो, किसी को उल्टा मत बोलो, क्योंकि यार ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा जरूरी है CA जैसे कोर्स में, तो प्लीज़ भाई प्लीज़ मत करा करो, ये सब तुम्हारे सारे ही भाई बहन हैं,
तुम्हारे तो क्या यार, मेरे तो है भाई बहन देखो सारे, तुम तो छोटे हो मेरे से, तो सारे भाई बहन है तुम। और घबराना किसी को नहीं है भाई, तुम्हारा भाई बैठा है इंस्टाग्राम पे, मैसेज कर लेना भाई। कम से कम 300 से ज़्यादा बच्चों के डाउट सॉल्व कर चुका हूँ मैं लास्ट 1 महीने में अभी तक, ठीक है। और आजकल तो कम से कम 15-15, 20-20 बच्चों के डेली डेली मैसेज आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, वो बात अलग है यार। फॉलो करके अनफॉलो कर देते हो तुम लोग तो कोई बात नहीं है, वो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम अब मेहनत करो भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं है कि तुम सब पास हो जाओगे, ठीक है। अब तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और पेपर का सिस्टम सेट करके आना है, ठीक है। ऑल द बेस्ट है।